Hi, class 10th. So, our next topic is coordination in animals. पिछली बार हमने coordination plants किया था. मैं आपको इस chapter के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें आपको सिर्फ दो topics हैं जो इसमें पढ़ाई करने हैं आपके class, इस class के लिए, exams के लिए. Okay? इसी में थोड़ा सा portion दिया गया last में आपको hormones का, hormones in plants. वैसे इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको नेमिंग्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड सेकंड थिंग ये कि उन हॉर्मोन्स का बेसिक वर्क क्या होता है. आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं. आप सब जानते हैं कि इस बार टेंथ के लिए 40 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे जो इन्हीं में से बनाए जाएंगे. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी सेल फंक्शंस कर रही हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. आप सब जानते हैं कि अगर हम आंखों से देखते हैं, ये तो आपको बहुत पहले बता दिया जाता है कि अगर आप आंखों से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में ऑलरेडी सेट है. अगर कोई चीज आपने पहले से देखी हुई है और तब आप उसको देखते हैं तो वो आपकी पहले इमेज ब्रेन में बनती है, तब आपको वो आंखों से दिखाई देती है और तब आप समझते हैं कि वो चीज क्या है. ठीक है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को नोट कर लेना. ये आपके लिए एज ए नोट वर्क करेंगे जो आपको आंसर में लिखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन एनिमल्स आ जाता है तो इसमें क्या क्या दे रखा है वो हम पढ़ेंगे ब्रीफली. इन एनिमल्स ग्रो टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन सच एज हैंड एंड लेग्स ग्रो इन अ सर्टेन डायरेक्शन नॉट हैफजर्डली. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का आपका मतलब ये है कि जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही होती है. जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ी थी कि शूट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, रूट हमेशा टूवर्ड्स अर्थ बढ़ते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी जो हैंड्स एंड लेग्स की ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है. अब हाथ आपके सर से तो निकलेंगे नहीं, राइट? वैसे ही जो आपके पैर हैं वो भी उसी डायरेक्शन में होंगे जैसे आप देखते हैं. ये सब किसकी वजह से होता है? कोऑर्डिनेशन जो होता है सेल्स का एनिमल्स में, उसकी वजह से ही ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलते हैं सारे ह्यूमन बींग्स में. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोल में भी फास्ट और स्लो, इट विल डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल. इस लाइन का मतलब क्या है आपका? यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब क्या है आपको यहाँ पर? ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब ये है कि हमारी जो फंक्शन हो रही है सेल्स की, कोई सेल आपकी ऐसी है जो बहुत फास्टली वर्क कर रही है और कोई सेल ऐसी है जिसे अभी काम करने की जरूरत नहीं है और वो रेस्ट में है. तो इसीलिए जो ये फास्ट और स्लो का सिस्टम है ये कौन कंट्रोल करता है आपका? आपका जो नर्वस सिस्टम है वो. सेल फास्ट वर्क करेगी या स्लो वर्क करेगी ये डिसाइड करेगा कि वो कहाँ प्रेजेंट है और क्या वर्क कर रही है. इफ द सेल फंक्शनिंग फास्टली देन अ मूवमेंट विल अकर्ड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. नाउ यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. वॉट इज दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? यू शुड नो अबाउट दिस थिंग दैट वॉट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मीन्स, राइट? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में भी जो आयंस हैं, इलेक्ट्रिक आपकी किसकी वजह से मूवमेंट करती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी जो इम्पल्स हैं वो किसकी वजह से जनरेट होती है? आयंस की वजह से. फॉर एग्जाम्पल आपका पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है, और नेगेटिव में भी आपके बहुत सारे आयन है. ये सब आपके कब हेल्प करते हैं? जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. जब हम फास्ट मूवमेंट चाहते हैं अपनी सेल्स में तो वो किसके हेल्प से होते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हेल्प से. बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल सेल्स टू परफॉर्म बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बिकॉज इट इज लिमिटेड टू द सेल्स विच आर कनेक्टेड विद नर्वस टिश्यू. लेकिन हम सब सेल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो डायरेक्टली सारी सेल्स से टच नहीं है. इट इज लिमिटेड. बाकी सारी जो सेल्स हैं उनको काम करने के लिए एक अलग फेनोमेनन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, लेकिन जब हम फास्ट काम करने के लिए किसी सेल को प्रेफर करेंगे तो हम कौन सा वे अपनाएंगे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला. ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेप्स ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. फर्स्टली दे विल रीच टू द सेल विच कनेक्टेड टू द नर्वस टिश्यू नॉट ईच सेल. ये जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है आपका वो वर्क कैसे करता है? सबसे पहले तो आपका जो भी फंक्शन आया है या फिर जो भी आपको प्रोड्यूस करनी है कोई चीज, तो उसका सबसे पहले आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? नर्वस टिश्यूज के साथ, जो कि हर सेल के साथ नहीं होता. सेकेंडली क्या होता है आपका? वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट सेल्स हैव टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसेट इट्स मैकेनिज्म? लिसन गाइस, जब हम अपने अंदर कोई नया काम करने वाले होते हैं तो हम भी अपने अंदर चेंजेस करते हैं. जैसे कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, अपने आप को रीसेट करते हैं
कि हमें आज से ये काम शुरू करना है। वैसे ही जब सेल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलता है तो वो जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी मैकेनिज्म को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। दिस टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। इसमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगती है और टाइम भी लगता है। दैट्स व्हाई एनिमल्स यूज अनदर सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन एंड दैट इज केमिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक बात तो सारी सेल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, दूसरी बात ये बहुत टाइम लेता है। इसीलिए जो एनिमल्स हैं वो दूसरा फेनोमेनन अपनाते हैं आपका, वो कौन सा है, केमिकल कम्युनिकेशन। इस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए आप, जो है आपका केमिकल ये है, जो आपका ये है ना केमिकल कम्युनिकेशन, इसको क्यों नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही है इसका दूसरा नाम क्या है आपका, हॉर्मोन। सी दिस वे मे बी स्लोअर देन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बट इट रीचेस टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, दैट केमिकल इज नोन एज हॉर्मोन। ये वो तरीका है जो कि हर सेल तक पहुंचता है। मे बी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से स्लो हो सकता है लेकिन हर सेल के पास केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज जाता है और वो परफॉर्म करते हैं। उस केमिकल को क्या बोलते हैं, हॉर्मोन। यहाँ पर एक बात और है आपकी, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और वो ये बात है तुम्हारी कि जो ये है आपका हॉर्मोन है, जो ये हॉर्मोन्स है ये क्या केमिकल्स क्या करते हैं आपके, इसमें ये हॉर्मोन्स है जो, इसे नोट डाउन कर लीजिए, हॉर्मोन्स हैं दे प्रोड्यूस एट डिफरेंट साइट इसका मतलब क्या है, हॉर्मोन्स दे प्रोड्यूस एट डिफरेंट साइट, इसका मतलब ये है कि हॉर्मोन्स जहां बनते हैं वो जगह आपकी अलग होती है और जहां ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो जगह आपकी अलग होती है। ये एक ऐसी लाइन है जिससे आप हॉर्मोन्स के बारे में एक बेसिक चीज जानेंगे। हॉर्मोन्स आर द कंपाउंड्स विच प्ले मेजर रोल इन कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। जो हॉर्मोन्स हैं ये हमारे बहुत ज्यादा मेजर रोल परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। वो कैसे, कि जो आपका हॉर्मोन है एक तो ये हर सेल तक पहुंच सकता है और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब के लिए सारे जो ऑर्डर्स हैं या फिर सारे जो सिग्नल्स आते हैं वो ब्रेन से आते हैं। तो पहले हॉर्मोन प्रोड्यूस होता है फिर वो सेल्स तक जाता है, उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। इससे आपके हर फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम भी मिल जाता है। अब है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स विद द हॉर्मोन्स हेल्प्स इन रैपिड सेल डिवीजन कन्वर्जन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फैक्टर्स। देखो जो कोऑर्डिनेशन है हम पहले जान चुके हैं कि किसकी हेल्प से होता है, ज्यादातर हॉर्मोन्स की हेल्प से। जैसे प्लांट्स में जो रैपिड हम देखते हैं, छोटा सा प्लांट रहता है 5 दिन बाद देखते हैं वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब वो जो वर्क हो रहा है बहुत स्पीडली हो रहा है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि आप सुबह उसे देखोगे छोटा सा, थोड़ी देर बाद मतलब शाम तक उसे देखोगे तो वो आपको दिखाई देने लगेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, हॉर्मोन्स की वजह से। आपके प्लांट्स में कुछ हॉर्मोन्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब प्लांट्स के लिए जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें आपको 2 टाइप्स के दे रखे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक है आपका, ये है आपका ग्रोथ हॉर्मोन, ठीक है। ये आपके ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे उन्हें हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। प्लांट हॉर्मोन्स हैं 2 टाइप के होते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर। प्रोमोटर में आप खुद ही जान जाएंगे कि इसका मतलब क्या है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो उसमें आपके कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिंस हैं, जिब्रेलिंस हैं। मैंने यहाँ पे अलग से सबके फंक्शंस भी लिख रखे हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन का वर्क और ऑक्सिन का वर्क क्या है, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब ये आपके शूट को, जो शूट होता है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो इससे आपको एक बात ये पता चल गई कि जिब्रेलिन और ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ द प्लांट। प्लीज इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जिब्रेलिन और ऑक्सिन आपके मोस्ट ऑफ द लीव्स हुए, आपके स्टेम्स हुई, आपकी ब्रांचेस हुई, कुछ भी हो उनके टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। वहीं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आपका क्या काम करता है, ये भी ग्रोथ में ही काम करता है, प्रोमोटर है,
तो साइटोकाइन हेल्प करता है आपका प्रोमोट सेल डिवीजन. अब सेल डिवीजन तो आपके पूरे प्लांट में कहीं भी हो सकता है, तो ये पूरे प्लांट में प्रेजेंट होगा, ठीक है. इसीलिए इसको हम एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं बोल सकते, लेकिन जिब्रेलिन और ऑक्सिन का अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो आप बोल सकते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा, टिप्स में. नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड, यहाँ पर आपको एक और दे रखा है इथाइलिन. वैसे तो जो इथाइलिन है वो किसी भी चीज को पकाने के लिए, मतलब कि राइस करने के लिए हेल्प करता है, पर हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज अगर पक रही है तो इसका मतलब वो एंड पर आ गई है ना, तो वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी. पकाना एक अलग शब्द होता है, लेकिन इनहिबिटर का मतलब क्या है कि अब वो एंड तक आ चुकी है. ओके, तो इथाइलिन भी आपकी किस लिए मेनली हेल्प करती है, फ्रूट्स को राइपनिंग के लिए. इथाइलिन इज अ हार्मोन विच इज वेरी यूजफुल इन राइपनिंग द फ्रूट्स. ये हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड आपकी किसके लिए होती है, इनहिबिट ग्रोथ. आप अब ये सोच रहे होंगे कि हमें एब्सिसिक एसिड की जरूरत क्यों है जब हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट बढ़े, पर हम हमेशा नहीं चाहते कि हमारा हर पार्ट बढ़े. आपके प्लांट की बॉडी में जैसे बहुत सारे लीव्स हैं, राइट. अब जो वो जो लीव डेड वाले स्टेज पर पहुंचने वाले हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा न्यूट्रिशन उनमें जाए, तो वहां आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एब्सिसिक एसिड, और वो उस लीव की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या कहा है. अब यहाँ पर एक ये आपको एग्जांपल दे रखा है, जिब्रेलिन प्रोड्यूस्ड इन मेरिस्टम्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स दैट हेल्प रेगुलेट स्टेम इलोंगेशन. देखो अभी हमने बोला था जो जिब्रेलिन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टिप्स ऑफ द शूट और टिप्स ऑफ द रूट. ये किसकी हेल्पफुल है, जो आपकी स्टेम्स हैं उनको ग्रो करने के लिए. मेरिस्टम से मतलब ही ये होता है कि वो सेल्स जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है उसको बोलते हैं मेरिस्टम, ठीक है. एंड रूट दैट हेल्प रेगुलेट स्टेम इलोंगेशन, और ये उन रूट्स को हेल्प करता है इलोंगेशन के लिए जो शूट्स की या स्टेम्स की रेगुलेट करने में या डिविजन करने में हेल्प कर रही है. ओके, जिब्रेलिन और ऑक्सिन आपको यहाँ पर चार टाइप के वो दे रखे हैं, पांच टाइप के हैं लेकिन चार आपके मेन रहते हैं. इथाइलिन एक वो है कि जैसे इनहिबिट करता है लेकिन ये पकने के लिए हेल्पफुल रहता है, तो इसलिए हम इसे कभी कभी नोट डाउन नहीं करते. पर अगर आपको मिलता है कि प्रमोटर और इनहिबिटर में कौन कौन से हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि ग्रोथ प्रोमोटर के लिए कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन. ओके, वही ग्रोथ इनहिबिटर के लिए कौन कौन से हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड. एक बात और याद रखना, ऑक्सिन और जिब्रेलिन टिप्स पर प्रेजेंट रहते हैं, जबकि जो साइटोकाइनिन है वो प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है. नाउ फॉर टुडे दिस इज इनफ, योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ एंड दिस नोट्स आर इनफ फॉर यू. अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आप 39 नंबर में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, एंड रिटर्न में भी अगर आता है तो आप इस चीज को कर सकेंगे. थैंक यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक इट, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज इन्फॉर्मेटिव, मतलब अगर इसको आपको लगता है कि इससे आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन या आपके दोस्तों को जानकारी मिल सकती है, तो आप प्लीज इसे शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.